मरूफ सियाहती मकाम गुलमर्ग में 5 रोजा खेलो इंडिया विंटर गेम्स मंगल के रोज इख्तिताम पजीर हुए हैं। इन खेल मुकाबलों में मुल्क से आए हुए तकरीबन 1500 से ज़ायद खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस दौरान 11 खेल मुकाबलों का इनेकाद भी किया गया। इख्तितामी तकरीब की सदारत वजीर मम्लिकत बराए यूथ अमूर खेल प्रमाणिक ने की। उनके हमराह कई आला अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर जहां खिलाड़ी बहुत खुश नजर आ रहे थे, वही स्टेज पर शानदार मौसिकी ने भी शायकीन का दिल जीत लिया। वजीर मुमलिकत ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में भी मेडल तकसीम किए। वजीर खेल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर ने नई शक्ल ली है, यहाँ के नौजवान अब किसी से पीछे नहीं है और सब खेल मुकाबलों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विश्वास के लिए यहाँ खेल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जा रहा है। थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स का बहुत भव्यता के साथ आज समापन हुआ और इसमें लगभग करीब करीब 2000 जो है देश भर से खिलाड़ी इसमें बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग लिया और पिछले सारे जो विंटर स्पोर्ट्स की रिकॉर्ड है उसको तोड़ते हुए इस बार अपने आप में एक नया इतिहास, नया एक रिकॉर्ड खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स विंटर गेम्स ने बनाया। बहुत सारा खिलाड़ी है जो लोग अपना खुद का रिकॉर्ड इस बार तोड़ा है और इसी के साथ बहुत भव्यता के साथ खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स थर्ड जो एडिशन है इसका समापन हुआ और अगले बार इससे भी बड़े रूप में और मल्टीपल वेन्यूज पर पूरा जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स को करने का जो है वो इरादा है। कश्मीर जो है आप सभी लोगों को पता है कि किस लिए सुर्खियों में रहते थे, लेकिन आज का कश्मीर बदलता हुआ कश्मीर है, आज का भारत बदलता हुआ भारत है और उसके साथ साथ कंधों पे कंधों रखकर कश्मीर भी आगे बढ़ रहे हैं, अत्यंत द्रुतता के साथ बढ़ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन ये रहा कि हर एक क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में हो या फिर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, इसको किस तरह से कश्मीर के हर एक कोने कोने में ये डेवलपमेंट हम लोग कर पाए, इसका ही माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश था और उसी के साथ अत्यंत द्रुतता के साथ भारत सरकार इसका काम कर रहा है। और जम्मू कश्मीर से बहुत सारा जो प्रतिभा है वो प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है और उनका प्रतिभा विश्व पटल पर देखने का जो मौका वो भी मिल रहा है और आगे जाके भी मिलेगा।